कॉम्बिनेशन आपने वही बनाए हैं। अब आप यहाँ देखिए कि रॉफ्यूल वो सीधा गार्डन से को पिक किया है उन्होंने और मास्टर उनको आवाज आई थी पर जब तक वो देख ले ही राउंड में एस वो निकाल कर जाने वाले हैं। कॉट एस वो बचे हुए थे इंपॉर्टेंट है बाय द वे ऑन असेंड अगर आपको बी साइड लेनी तो आपको मार्केट मॉली करना पड़ता है एंड रॉफ्यूल ऑफ कोर्स गोस इन ड्राई ही डजंट एक और किल थ्रू द स्मोक समहाउ गेट्स जोसेफ अकरे पैरानोया की एमिंग की तरफ आया कॉट एस गेट्स वन कैन फाइंड द सेकंड टेकन डाउन अजीज व्हाट अ 9-3 होगा या फिर 2-10 यहां पर फेवरेट डाउट and actually try and analyze what's happening in the match but there is nothing to analyze उन्होंने अपने लिए मौका बनाया पर रॉफ्यूल outpower them outmaneuver them outsmart them whatever what is required right but Aziz वो शॉट नहीं मिस करेंगे वो करने भी नहीं देंगे लेकिन Cortez and Master coming out on top Aziz still standing as a rock in front of the attempt from here because उन्होंने कोशिश करी get some information has a bulldog अगर can he get one more though that is a question अगर आप यहां अच्छा नहीं कर पा रहे हो सकते हैं उन्होंने वो मौका उनको दिया नहीं राउंड जीत पाए थे इस बार तो लगातार 5 राउंड वो हार गए और डेथ मेकर चलते चलते आ चुके हैं इस वक्त अल्टरनेट रियलिटी अभी तक उतनी परफेक्ट ना हुई हो पर इस तरीके से हार मानने की जरूरत नहीं है आप खेल सकते हैं साइड स्विच होने से पहले और इस बार सिचुएशन उसी प्रकार की तैयार थी अपने ऑपरेटर के साथ के पास उनको डाउन नीड्स टू सी अलाइव क्रॉस फायर बेहतरीन है ऊपर से गोलियां चलाए जॉश इन गोल पास को डैमेज बहुत ज्यादा पड़ा मास्टर वो डाउन करेंगे के पास नहीं पर बैटमैन उनके लिए काम में ये जरूर आया जहां पर डेडली को उन्होंने बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल साबित हो सकती है बट नियॉन जैसे अंदर जाने की कोशिश करी उन्होंने और वो किश्तों में ही निपट गए ना के बारे में और आप बात करें जी हां साइफर वो सी साइड तो छोड़ तैयार हैं एक बार फिर से उन्होंने शटपर्स लगता है इस तरीके से तो नहीं खेलने वाले जहां पर वो आगे बढ़े और बस फाइट लेते हुए नजर आए डेडली वो आगे बढ़े और उन्होंने रियो को टेक डाउन जी हां वो जरूर स्पॉट कर लिए लेकिन वो भी शटडाउन करे गए और डेडली को पूरा श्रेय जाना चाहिए पर टैप देखने के लिए और एक बार फिर से व्हाट की पोजीशनिंग नहीं देखी डेडली ने व्हाट क्या खेल रहे हैं आज के दिन पर अगर आप एंट्री इस तरीके से शटडाउन करा है और आप बचे रहे भी वो फाइट लेने की कोशिश करें पर स्मोक कमिटमेंट की जरूरत है समहाउ ओह माय गॉडनेस दिस ज्यादा क्योटिक क्या वो पहले जाएंगे क्या वो स्पेसिंग बराबर रख पाएंगे सबसे बड़ा सवाल फायर ऑन आने वाला है सो अब पता चलेगा कौन कितने पानी में मार्कल उन्होंने शॉट मारा था बक्की लेके शानदार लेकिन ट्रू रिपर्स स्टार्टिंग देम नहीं आएगा वो थोड़ा सोचने वाली बात रहेगी पर एक्सकैली तो समय बचा भी नहीं है कि आपको नहीं तीन प्लेयर्स रिटेन है मुझे एक सेकंड लगा सारे के सारे प्लेयर्स वहां पे रिटेन हो चुके थे लेकिन वो नहीं था फाइव सेकंड ना टूअर्ड द फोर्स भी है उसका भी इस्तेमाल करेंगे और ऑपरेटर का तो इस्तेमाल एक भी किलिंग और नाइट फॉल का बेहतरीन इस्तेमाल यहां पे इंफॉर्मेशन पूरी पूरी दे दी जाएगी ओह माय गॉडनेस कहते बहुत ज्यादा होने वाली है और ये रिवील भी बहुत ज्यादा शानदार है एक्सकैली वो तो व्हाट एचपी उनकी बहुत ज्यादा कम है जी हां एक्सकैली वो एस के लिए आगे जा रहे हैं व्हाट वो सामने लेकिन बैक सामान अब डेडली का जो बैक साहब है क्या ही एक्सपेक्ट करेंगे सबसे बड़ा सवाल होने वाला है डेडली क्रीपिंग इन धीरे-धीरे रोमियो गेट्स पॉट विकेट टेकन ऑन एज वेल गेट ट्रेड निकाल पाएंगे ओह माय गॉडनेस मार्क को इधर मिसीज डाला था उन्होंने नोया क्या अभी करना है या फिर कब करना है और साथ में रिप के बीच में रोमियो वो आगे बढ़े उन्होंने मोजो को डाउन कर दिया फ्लैश पॉइंट भी डाला था लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ेगा एक्सकैली गेट्स वन डेडली take a position has a shot that said does want to keep behind them that is a question gets what करके जाते हुए नजर आएंगे survive कर रहा है मैं मानता हूं true what वो आगे आने वाले क्या वो अपना pace दिखा easy things coolest and this was out of three